अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टोयोटा प्राडो टीजेड 2004 मॉडल है और इसमें इंस्टॉल इंजन है 3400 सीसी का, पेट्रोल इंजन के साथ है ये गाड़ी। डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हम इसका क्विक वॉक अराउंड करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके इंटीरियर का और रेयर साइड का और साइड प्रोफाइल का। साइड मिरर आपको रिट्रैक्टेबल बनेंगे और इसमें इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं दिया गया, इंडिकेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। टायर्स की अगर बात करें तो 17 इंच की टायर्स और साथ में एलाई रिम इंस्टॉल किया गया है। अब चलते हैं इसकी रेयर साइड पे और आपको इसका रेयर साइड भी दिखाते हैं। रेयर साइड में आपको हाई माउंटेड लैंप्स मिलेंगे, साथ में इधर लैंड क्रूजर प्राडो की ब्रांडिंग की गई है और टोयोटा की ब्रांडिंग की गई है, यहाँ पे टीजेड का भी, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट का ऑप्शन दिया गया है। रेयर साइड आप देख सकते हैं, काफ़ी लग्जरी रेयर साइड दिया गया है इस गाड़ी को। 2004 मॉडल है, 3400 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है और ये गाड़ी आपको मिलेगी यूसुफज़ई मोटर शोरूम में। इंटीरियर का क्विक रिव्यू आपको देते हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं, ब्लैक इंटीरियर के साथ है ये गाड़ी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और साथ में एंड्रॉयड पैनल भी दिया गया है। ये एक क्विक रिव्यू है, इसके बाद हम डिटेल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टोयोटा प्राडो टीजेड 2004 मॉडल है, 3400 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ भी आपको लो बीम और हाई बीम दोनों हेडलैम्प्स में मिलेंगे, साथ में डे लाइट का ऑप्शन दिया गया है और इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोग लाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं। अगर फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर टोयोटा की ब्रांडिंग मिलेगी और साथ में क्रोम यूज़ किया गया है इसकी ग्रिल में। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में आपको 17 इंच की टायर्स और साथ में एलाई रिम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आपको रिट्रैक्टेबल मिरर विदाउट इंडिकेटर ऑप्शन और यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है इसकी बॉडी पे। इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आपको ये बॉडी कलर के हैंडल्स मिलेंगे। अगर रेयर साइड की बात करें तो रेयर साइड में आपको हाई माउंटेड लैंप्स मिलेंगे ऊपर, यहाँ पे टोयोटा की ब्रांडिंग की गई है, लैंड क्रूजर प्राडो की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे डिगी ओपन करने के लिए आपको ये हैंडल दिया गया है। रिवर्स लाइट का ऑप्शन, क्रोम में ये फ्रेम यूज़ किया गया है और यहाँ पे इसके अलावा आपको टीजेड की ब्रांडिंग मिलेगी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं। इंटीरियर में अगर फ्रंट डोर की बात करें तो ग्रे कलर का और वाइट कलर का कम्बिनेशन मिलेगा और यहाँ पे वुड कलर का ये फ्रेम यूज़ किया गया है। क्रोम में आपको अनलॉकर मिलेगा और साथ में पावर विंडोज़ मिलेंगे। इसके अलावा नीचे आपको दो ऑडियो सिस्टम्स दिए गए हैं और स्टोरेज के लिए ये स्पेस दिया गया है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेंगे, बटन के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, एयरबैग का ऑप्शन भी दिया गया है और इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से, और स्टीयरिंग में आपको टोयोटा की ब्रांडिंग भी मिलेगी। एंड्रॉयड पैनल मिलेगा और इस गाड़ी में आपको डुअल एसी सिस्टम मिलेगा। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगी और साथ में फोर व्हील गियर का ऑप्शन भी दिया गया है। ये गाड़ी ब्लैक इंटीरियर के साथ है, ब्लैक नहीं बल्कि ग्रे कलर का इंटीरियर दिया गया है। अगर सन शेड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर का ऑप्शन भी दिया गया है और प्लास्टिक के साथ वो अभी तक कवर में है। फ्रंट सीट्स के लिए लाइट का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ग्लासेस बॉक्स दिया गया है और यहाँ पे सनशेड भी मिरर का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर स्विच बोर्ड स्टोरेज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस दिया गया है इस गाड़ी में इसके स्विच बोर्ड में। ग्रे कलर के फैब्रिक सीट्स है इस गाड़ी की। उस डोर में भी आपको
ऑडियो सिस्टम मिलेगा। अगर यहाँ पे स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे भी स्टोरेज दिया गया है। अगर मीटर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको एनालॉग मीटर्स मिलेंगे। 3400 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ है, 2004 मॉडल है और इस वीडियो के लास्ट में डिमांड भी मेंशन किया जाएगा। अब चलते हैं इसके बैक सीट्स पे और आपको बैक सीट्स भी दिखाते हैं। अगर बैक डोर की बात करें तो सेम कलर कम्बिनेशन, वुड कलर का और ग्रे कलर का ये फ्रेम दिया गया है। यहाँ पे क्रोम में आपको अनलॉकर मिलेगा और यहाँ भी चीज़ें रखने के लिए आपको स्पेस दिया गया है। पावर विंडोज़ मिलेंगे। अगर स्पेस की बात करें बैक सीट्स की और फ्रंट सीट के दरमियान काफ़ी सीट दिया गया है। कंफर्टेबल गाड़ी है ये। यहाँ पे आपको टेम्परेचर और कूल का ऑप्शन दिया गया है रेयर साइड के लिए। इसके अलावा आपको केबिन लाइट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। बैक सीट के लिए एसी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोनों साइड पे। अब चलते हैं इसके बैक साइड पे और आपको बैक साइड भी दिखाते हैं। रेयर साइड में डिगी का ऑप्शन जो होता है वो भी आपको दिखाते हैं। इसके अलावा अगर डिगी की बात करें तो यहाँ पे आपको दो एक्स्ट्रा सीट्स मिलेंगे जो कि फिक्स है। इस गाड़ी में पोर्टेबल सीट्स नहीं है। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ये 7 सीटर है। अगर इंजन सस्पेंशन की बात करें तो 3400 CAN 24 इंजन यूज़ किया गया इस गाड़ी में कंपनी की तरफ से। प्राडो TZ 2004 मॉडल है और ये गाड़ी आपको मिलेगी यूसुफ़ज़ई मोटर शोरूम में शिंगरदार गालेगे सवात में। इंजन सस्पेंशन आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी हालत में है। पेट्रोल इंजन यूज़ किया गया इस गाड़ी में। अगर डिमांड की बात करें तो शोरूम वालों की तरफ से इसका डिमांड किया जा रहा है 32 लाख रुपए। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।